Hello everyone, welcome to YouTube, welcome to my new channel Antara Squad. So before I start, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग Unacademy में Plus subscription ले रहे हैं, तो ये referral code use करना मत भूले, इससे आप लोगों को 10% की छूट मिलेगी. But before that, मैं बता देती हूं कि आप मुझे Unacademy में कैसे find out कर सकते हैं. ये रहा Unacademy का site और यहां पर आपको मेरा नाम टाइप करना है. ओके, सो मेरा नाम टाइप करते ही आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगी. उसमें ऑल यू नीड टू डू इज टू फॉलो मी. ये जो बटन है यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है. और इस कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज मेरे मिल जाएंगे. प्लस जो है वो पेड होते हैं, ठीक है. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है. आई हैव रिविजन कोर्स, डिटेल कोर्स ऑन सोशियोलॉजी, बहुत सारे चीज़ें मैंने नेट में पढ़ाया है. और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो होती हैं और फ्री कोर्सेज जो होती हैं वो फ्री होती हैं. तो ऑल ऑफ यू कैन रेफर टू दैट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज. हम लोग 20 क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये जो आज के क्वेश्चंस है ये काफी मिक्स्ड है, मिक्स्ड पैटर्न में मैंने डाला है सो दैट आप लोगों को मदद करे ऑल दीज थिंग्स. लेट अस गेट स्टार्टेड. तो ये सारे जो है ये भी PYQs ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही है. हम लोग डिस्कस इसलिए करेंगे बिकॉज PYQs से हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया मिलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेकेंडली यू गेट टू नो कि ये जो क्वेश्चंस है ये काफी टाइम रिपीट होते हैं एग्जाम में. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि नेट में देर आर हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड. सो लेट अस लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हु हैज यूज्ड फिनोम लाइक स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन किनशिप. तो यहाँ पर दो कीवर्ड्स है हमारे पास, नंबर वन फिनोम, नंबर टू किनशिप. अब किनशिप पे तो टाइलर मैलिनॉस की सुमन काफी लोगों ने बात की है, बट फिनोम का मतलब क्या है? फिनोम इज अ कॉन्सेप्ट जो हमारे लिंग्विस्टिक से ली जाती है और इनमें से एक ही इंसान है जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट है और उन्होंने लिंग्विस्टिक से स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ये सब डाला था. सो ये है हमारे क्लॉड लेविस्ट्रॉस. He is also the father of structural anthropology. ठीक है, तो उन्होंने फिनोम का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने उसमें डाला था एंथ्रोपोलॉजी में इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनशिप. और इनका कौन सा थियरी है? अलायंस थियरी ऑफ किनशिप कहा जाता है उनका. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Who has worked on the Indian जजमानी सिस्टम. तो इंडियन जजमानी सिस्टम में भी काफी लोगों ने काम की है, पर हमारे जो ये डब्ल्यू वाइजर है, वाइजर सबसे ज्यादा फेमस इंसान है जिन्होंने जजमानी सिस्टम ऑफ इंडिया बोल के किताब भी लिखी है. ओके, सो अगर जजमानी सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको पता करना है कि ये वाइजर ही होगा. Who explained the growth of cities as concentric zone pattern? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे अर्बन थियरी में आ जाता है. कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी, एक थियरी आता है अर्बन थियरी में एंड इट्स अ वेरी फेमस वन जिसके पांच एलिमेंट्स भी होते हैं. मैंने थियरी आप लोगों को समझाया है अनअकैडमी में. तो इसका आंसर जो है इज पार्क एंड बर्जेस, रॉबर्ट ई पार्क और बर्जेस, जिन्होंने ये थियरी डेवलप की थी. तो प्लीज आप लोग भूले ना, ठीक है. ये दो लोगों हैं, ये दो ही लोग हैं जो कि बेसिकली अर्बन थियरिस्ट हैं इनमें से. सो डोंट कंफ्यूज, इमैनुअल वॉलरस्टीन नहीं होंगे. वॉलरस्टीन हमारे दूसरे थियरिटिशियन हैं, उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी दी थी. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें इन दोनों में. ओके, वॉट इज द जजमानी सिस्टम. तो जजमानी सिस्टम ने किस पे काम की थी? वाइजर. बट वॉट इज इट, इसका मतलब क्या है? तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये गिफ्ट सिस्टम है, बट दिस इज नॉट अ गिफ्ट सिस्टम. प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना करें. इट इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. जजमान्स और कामीन्स के बीच में लोग सर्विस शेयर करते हैं, ठीक है. किसी भी तरीके के सर्विस हो सकते हैं. सो ये जो है ये कास्ट बेस्ड होता है, कास्ट के हिसाब से ही ये सर्विसेज देंगे. सो इट्स अ बेसिक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये गिफ्ट सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है. Who classified societies as simple, simple polysegmentary, simply compounded polysegmentary and doubly compounded polysegmentary? So society का जो chapter है उसमें हम लोगों को चार तरीके के societies के नाम दी गई हैं. ये classification किसने दी है basically हम लोगों को बताना है. So here the correct answer is Emile Durkheim. Emile Durkheim ने mechanical और organical solidarity की बात तो की ही है, but he also talks about these four societies. So please आप लोग याद रखें. Which of these is not a feature? Not बोला है, not a feature of association. तो इसके लिए आपको association के features जानने हैं. Okay? So let us see what the correct answer is.
वी फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि वी फीलिंग कम्युनिटी में होता है. आप एक कम्युनिटी एसोसिएशन का पार्ट हो सकते हैं और उसमें आप वी फीलिंग ना भी फील कर सकते हैं. इट इज वॉलंटरी, जिसका मतलब आप खुद से मेंबरशिप लेते हैं. ये अचीव्ड है, मतलब आपको जन्म से एसोसिएशन नहीं मिलता कम्युनिटी के कंपेरिजन में. इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. तो कम्युनिटी जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारे एसोसिएशन आ जाते हैं. ओके, ऑल राइट. What does commensal relationships depend upon? अब इसको जानने के लिए आपको commensal का मतलब जानना होगा. ये जो word है commensal, इसका मतलब ही है related to food. कि आप किसके साथ food share कर सकते हैं, किसके हाथ का बना हुआ खा सकते हैं. This is a feature in caste system. So commensal relationship depends upon purity of food given. Which one of these is a characteristic of companionate marriage? तो हमारे काफी तरीके के मैरिजेस होते हैं. सो वन ऑफ देम इज कंपेनियनेट मैरिज. तो इसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा. ये लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं होता है. अंडरस्टैंडिंग दैट मैरिज कैन बी म्यूचुअली डिसॉल्व्ड इफ देयर इज नो चाइल्ड. मैरिजेस व्हिच आर बायलोकल, नो. मैरिजेस वेयर द ब्राइड कैन चूज हर रेजिडेंस, नो. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है इज बी, कि जब तक आपके बच्चे नहीं होते, अगर आप चाहे तो इस मैरिज को कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग कंपेनियनेट मैरिज कहते हैं. Who classified castes as hereditary, specialized and hierarchically arranged groups? तो इसके लिए आपको अलग अलग लोगों की कास्ट पर क्या उनके विचार है उसके बारे में आपको जानना है. So here the correct answer is Bogle या Bogle, however you pronounce. उन्होंने कहा था कि ये कास्ट का फीचर है कि कास्ट जो है हेरिडिटरी स्पेशलाइज्ड है, मतलब आपका जो कास्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑक्यूपेशंस क्या है. एंड इट इज हायरार्किकल, सारे कास्ट जो है वो रैंक किया जाते हैं. ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं एंड द लोअर कास्ट इन द लोअर मोस्ट ग्रुप. व्हाट इज एन इवैंक्यूलोकल रेजिडेंस, इसको हम लोग इवैंक्यूलोकल भी कहते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको किनशिप के सारे टर्म्स जानने होंगे. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अनअकैडमी में. ठीक है, इसका मतलब है मामा जो है आपके अंकल, उसका रोल होता है. सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में अंकल होगा उसको हम लोग टिक करेंगे. अ कपल हैज टू स्टे विद सिस्टर्स ग्रूम्स फादर, तो यहाँ पर ग्रूम्स फादर की बात हो रही है. अ कपल हैज टू स्टे विद ब्रदर ऑफ ग्रूम्स फादर, तो यहाँ पर जो है चाचा की बात हो रही है. ओके, अ कपल हैज टू स्टे विद ब्रदर ऑफ ग्रूम्स मदर, मतलब यहाँ पर मामा की बात हो रही है. अ कपल हैज टू स्टे विद द ब्रदर ऑफ ग्रूम्स आंट, तो ये तो कंप्लीटली अनरिलेटेड ही है. सो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज दिस, बिकॉज यहाँ पर मामा की बात हो रही है. ओके, बाकी ऑप्शन नहीं होगा. इवैंक्यूलोकल मतलब मामा. What is the other name of socialization? So this is a very important question. इस पे PYQ भी आ चुका है. So you have to remember कि इसका answer is enculturation. आप लोग confusion ना करें. Acculturation में अलग cultures होते हैं. So these are the things that you take from other cultures. बट एनकल्चरिज्म में ओन कल्चर से आप क्या क्या सीख रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स फैमिली जो भी आपको सिखाते हैं, दैट इज एनकल्चरेशन, जो कि सोशलाइजेशन का दूसरा नाम है. Who divides the agrarian structure into मालिक, मजदूर, किसान? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हमारे रूरल सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन है. तो अर्बन रूरल सोसाइटी को तीन भागों में भाग किया गया था, मालिक, मजदूर और किसान. और ये किया था हमारे डैनियल थॉर्नर ने. ठीक है, सो इनका फुल नाम है डैनियल थॉर्नर. Which of these is not a feature of dominant caste? तो dominant caste के पांच छह features हमारे MN Srinivas ने दी है. So इनमें से एक है जो नहीं है इसका feature. ठीक है, urban education है, ये land owners भी होते हैं, majority of the land भी उनके पास होती है. Have special rights of passage, ये नहीं होगा. rights of passage नहीं relation रखता है यहाँ पर. ये proper तरीके के Brahmins नहीं होते हैं. So these are not people जिनके पास special कोई भी rights है या फिर किसी भी तरीके की चीज है. ठीक है, so this is the correct answer. Who equated judgman with exploited and kameen with exploited? ये बहुत important है. यहाँ पर जजमानी system पे question है, पर ये चीज Wiser ने नहीं कहा था. So please don't be confused. ये चीज Bedelman ने कहा था. Okay? Bedelman और Wiser ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने जजमानी system पे बात की है. But Bedelman जो है वो एक conflict perspective देते हैं. Basically he is against जजमानी system. ठीक है, so this is Bedelman. Which one of them worked on joking relationship? Joking relationship एक kinship terminology है
और इस पे फेमस काम एक ही इंसान का है जिसका नाम है A.R. डेटक्लिफ ब्राउन। उन्होंने अफ्रीका के ट्राइब्स में ये जोकिन रिलेशनशिप्स पाया था। उन्होंने जोकिन रिलेशनशिप्स बेसिकली उस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं वेर यू कैन मेक फन ऑफ, कोई भी तरीके के जोक्स आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि इन इंडिया यू फाइंड जोकिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन भाभी एंड देवर, साला एंड जीजू, साली एंड जीजू एटसेट्रा। ओके, हु टॉक्स अबाउट द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। यहाँ पर लेबर की बात आ रही है, सो दिस इज अ की वर्ड फॉर अस। सो यहाँ पर लेबर की बात इधर हमारे एंगल्स कर सकते हैं या फिर मार्क्स कर सकते हैं, बट रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स का थियरी है। जो विमेन है होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें वो रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर कहते हैं। मतलब ये लोग चीप लेबर होते हैं, जब मन चाहे आप लोग एक्सप्लॉयट कर ले, फिर आप उनको नौकरी से निकाले। ओके, सो वो लोग रिजर्व्ड में रखे जाते हैं। Which one of them is not a type of motive by Parsons? ये 2018 का question है, okay? Parsons ने तीन तरीके के motives की बात की है, but इनमें से एक ऐसा है जिसके बारे में Parsons ने नहीं कहा था। So let us see which one is the correct answer. Cathartic, cognitive और evaluative की बात की थी, but effective की बात उन्होंने नहीं की थी। So this is the correct answer. Who talks about the concept of colonization of life world? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि colonization of life world की बात शूट्स ने नहीं की थी, ये हेबरमास ने की थी। okay? Life world देखते ही आपको शूट्स नहीं टिक करना है। Life world को कॉलोनाइज कैसे कर लिया है हम लोगों ने, इसके बारे में हेबरमास ने हमें कहा है। Who started the mode of production debate in India? तो mode of production का जो debate है obviously originally Marx से आता है, पर India में किसने की थी? So ये चारों लोग involved है, लेकिन शुरू किया था उत्साह पटनायक ने। ठीक है, so please आप लोग याद रखें। Which one of these is not a feature of Fordism? So Fordism में इनमें से एक feature नहीं होता है। देख लेते हैं क्या है। डीस्किलिंग हुआ था, मतलब लोग जो है अपने जो स्किल्स छोड़ के फैक्ट्रीज में आके काम कर रहे थे मशीनों की तरह। मास प्रोडक्शन भी हो रही थी, असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी हो रही थी, लेकिन फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन पोस्ट फोर्डिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, ऑल राइट देन पीपल, ये सारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप इट हेल्प्ड यू गाइस, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी। स्पेसिफिकली मुझे फॉलो करें इस बटन से। ठीक है, आपको सारे कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सीरीज ऑन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। स्टे ट्यून्ड।